अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स का एपिसोड नंबर 23 आपके सामने है। और जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे असल कॉन्सेप्ट्स पर कि किस तरह से किसी भी इक्वेशन पे वर्किंग होती है। याद रखिएगा, इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ बैलेंस, यानी कि ये बस एक तराजू की तरह है जिसको आपने हर सूरत में हर स्टेप में बिल्कुल बैलेंस रखना होता है। यानी कि जितना वेट इधर होगा आपकी राइट हैंड साइड पर, उतना ही वेट हमेशा इधर रहेगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आप इसको कभी भी डिसबैलेंस नहीं कर सकते, वहीं पर आपकी जो वर्किंग है वो गलत हो जाएगी और आप कभी भी सही जवाब नहीं ला सकते अगर आपके किसी भी स्टेप पर ये इक्वेशन डिसबैलेंस हो गई। क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस हो गई तो फिर ये इक्वेशन रही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 2 + 3 = 5, तो आप कह सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशन है। अब ये रूल है कि अगर आप कुछ लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं तो उतने ही आप राइट हैंड साइड से भी निकालें, अगर आप कुछ लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहे हैं उतने ही आप राइट हैंड साइड में भी डालें। निकालने से मुराद सब्ट्रैक्ट करना, और कोई भी चीज़ इसमें शामिल करने का मतलब ऐड करना। अगर आप कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही वैल्यू आपको राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर कुछ भी वैल्यू आप यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको उसी वैल्यू को डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है आपसे कि दोनों तरफ 4 शामिल करो, तो आप लिख देंगे एडिंग 4 बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। फिर अगर आपसे कोई कहता है कि सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स, तो हमने दोनों तरफ -5 लिख दिया, तो यहां पर 5 से 5 कैंसिल हो गया और इधर रह गया सिर्फ 4। और अगर आप इधर भी देखें तो 2 + 3 = 5, 5 से 5 कैंसिल, यहां पर भी सिर्फ रह जाएगा 4। इसी तरह से कोई आपसे कह सकता है कि यहां पर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आप देख सकते हैं हमने दोनों ही साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करवाया। हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया, हमने राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाया। और आप जानते हैं जब कोई वैल्यू किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है तो वो हर एक टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होती है। और आप चाहें तो पहले ब्रैकेट में मुकम्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मगर ज्यादा बात है वो वही 4 आ जाएगा, इसलिए कि फायदा नहीं है। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 - 15, और यहाँ 3 × 4 = 12। एक बार फिर आप चेक कर सकते हैं कि मामला बिल्कुल बैलेंस है। 6 + 9 = 15, 15 + 12 = 27, 27 - 15 = 12। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे हर स्टेप में बराबर रही, यानी कि हम कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं दोनों तरफ करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं दोनों तरफ करना होगा, बिल्कुल यही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। तो अब अगर हम इस अंदाज से यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो यही असल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि इस तरह का कुछ भी नहीं कि कोई चीज उठाओ यहां से और ले जाओ वहां पे, ये हमारे लिए बस एक आसानी है, ये एक तरह से शॉर्टकट है कि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े और हम आसानी से अपने सवाल को सॉल्व कर सकें। मगर जो असल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अब हम उस पर वर्किंग करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, वी हैव टू मेक दिस x अलोन, हमें इस x को अकेला करना है। इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड से 3, 8 और 6 को एलिमिनेट करना है। तो अगेन हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम किसे एलिमिनेट करें। तो आप जानते हैं कि जिस तरह मैंने शिफ्टिंग रूल्स में बहुत तफसील से आपके साथ डिस्कशन किया था कि हम किस वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं, जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ इंगेज हो, बिल्कुल वैसी यहां पर सबसे पहले आप उस वैल्यू को खत्म करेंगे जो वैल्यू सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंगेज हो। और वो वैल्यू हम पहले ही डिस्कस कर चुके, 6 है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रहा है। याद रखिएगा, डिवाइड करने वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई के जरिए से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि अगर आप डिवाइड होने वाले 6 को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो वैल्यू डिवाइड कर रही है उसी वैल्यू को ऑपोजिट रिलेशन के साथ आप दोनों तरफ डाल दीजिए। तो यहां पर 6 डिवाइड कर रहा है, 6 ही को हम दोनों तरफ डालेंगे मगर मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन के साथ। तो हम यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड। ये ना भी हम लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब
यहां तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इधर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहां रह गया 3x minus 8 और इक्वल टू के बाद यहां negative 1 into 2 रह गया negative 2। अभी भी x की वैल्यू नहीं आई क्योंकि जब तक x बिल्कुल तन्हा नहीं हो जाता x की वैल्यू नहीं आती। तो अब हमें एक बार फिर ये फैसला करना है कि 3 और 8 अब किसको उड़ाया जाए, तो फिर देखना पड़ेगा कि 3 और 8 में कौन सी वैल्यू सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ी है और वो है सिर्फ 8 जो कि सबट्रैक्ट हो रहा है। तो 8 को खत्म करने के लिए सबट्रैक्ट होने वाले 8 के मुकाबले में हमें ऐड होने वाला 8 लाना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा एडिंग 8 बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने देख लिया कि हमने ऐड किया है 8 को, तो यहां पर नेगेटिव 8 और पॉजिटिव 8 कैंसिल, ये 0 हो गया, 3x plus 0 या minus 0, 3x ही होता है। नेगेटिव 2 plus 8 will make पॉजिटिव 6, क्योंकि 8 minus 2 आप जानते हैं कि वो 6 होता है, तो 3x equals to 6। फाइनली अब x के साथ सिर्फ 3 रह गया है और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अब अगर हम इस 3 को खत्म करना चाहते हैं तो हमें डिवाइड करने वाला 3 लाना पड़ेगा, और आप जानते हैं जो भी वैल्यू डिवाइड करती है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो अब हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, हमने यहां दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया, इधर 3 से 3 कैंसिल, यहां 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और आप देख सकते हैं बिल्कुल वही जवाब हमारे पास आ चुका है, यानी कि x equals to 2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अंदाज़ से समझ आए होंगे, मगर यकीनन हमें इस अंदाज से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए शायद यही ज़्यादा कंफर्टेबल है कि 6 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा लो, देन सिंप्लीफिकेशन के बाद 8 यहाँ माइनस कर रहा है तो वहाँ जाके प्लस करवा दो, फिर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहाँ पर जाके डिवाइड करा दो, शायद इसी तरह से हम कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, मगर ये इल्म होना और इसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि असल में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, और ये जो शिफ्टिंग रूल्स हैं ये इस अंदाज से बनाए गए कि यही काम जो हम किसी भी वैल्यू को दोनों तरफ बैलेंस रखते हुए चलकर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल यही इफेक्ट, बिल्कुल यही हमें रिजल्ट देगा अगर हम शिफ्टिंग रूल्स अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।